टू आर्टिस्टिक लाइफ विद पी हू प्रीति। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं आजकल रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि मैम आपके वीडियोस बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आजकल मेरा कुछ बैक पेन का इशू चल रहा है जिसके ट्रीटमेंट की वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए, ये रही मेरे हेल्थ की बात। अब आते हैं आज के वीडियो पे। मेरे पास बहुत दिनों से लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैम लिविंग रूम के बारे में कुछ बताइए और ज़्यादा वीडियोस उसके ऊपर बनाइए। तो बहुत जल्द मैं अपने घर के लिविंग रूम का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आज आपको लेके चलूँगी मेरी फ्रेंड प्रतिभा के घर, जिसने अभी हाल ही में अपने घर का रिनोवेशन करवाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका लिविंग रूम मैं आपको दिखाऊं कि उसने क्या नई चीज़ें अपने घर में बनाई हैं, सो दैट कि अगर आप लोग अपने लिविंग रूम का मेकओवर या डेकोरेशन का कुछ प्लान कर रहे हो तो आपको एक आइडिया मिले। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं प्रतिभा के घर और देखते हैं उसका लिविंग रूम। वो रहा उसका घर। आइए मैं आपको उससे सबसे पहले मैं आपको प्रतिभा से मिलाऊंगी, फिर उसका लिविंग रूम दिखाऊंगी। कम ये कितना खूबसूरत उसने अपने घर का आउटडोर पूरा करवा रखा है। ये उन्होंने कितना खूबसूरत सा करवाया है। ये पूरा वुडन का काम और ये उनका सेफ्टी डोर जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये कॉम्बिनेशन वाइट और ब्राउन का। और ऊपर है हमारे गणपति बप्पा। चलिए अब बेल मारते हैं। हाय, ये है मेरी फ्रेंड प्रतिभा। हेलो, आज मैं तेरा लिविंग रूम दिखाने वाली हूँ मेरे सारे दर्शकों को, तो हमें इजाजत है। पक्का, वेलकम। थैंक यू सो मच। आइए, तो ये रहा प्रतिभा का खूबसूरत सा घर। और मैं सबसे पहले बता दूं, जितनी खूबसूरत प्रतिभा है उतना ही खूबसूरत उसका घर भी है। और इस पूरे घर का इंटीरियर इसने खुद ने किया है, किसी को इसने बाहर से हायर नहीं किया है। और इन्होंने भी लॉकडाउन से पहले ही किया है शायद ना? हाँ, वन ईयर हो गया है। और आपको जैसा कि दिख रहा होगा चीजें कितनी मेंटेन और अरेंज है। फिर अभी बता तेरा ये घर के बारे में कुछ। अभी घर के बारे में तो तू ही बता, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। ओह वाओ, ठीक है ठीक है, हम लोग चाय पीते हैं और मैं आपको इसका घर दिखाती हूँ। तो तेरा काम कर, मैं मेरा काम। ओके, डन। लिविंग रूम के टूर को मैं स्टार्ट करती हूँ बिल्कुल एंट्री से। ये है इसके घर की एंट्री, ये है उसका सेफ्टी डोर और ये उसका अंदर वाला दरवाजा। आप ये जो देख रहे हैं ये एक सरप्राइज है, ये एक बहुत ही काम की चीज है। आप लोग गेस कीजिए इसके अंदर क्या है। नहीं ना, मैं बताती हूँ, ये एक शू रैक है। ये देखिए, इसके अंदर पूरे शूज आ जाते हैं। इन्होंने इसको दो पार्ट में बनवा रखा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये शू रैक है। इसको इस तरीके से इन्होंने पार्टीशन किया है इसका। और ये मुझे बहुत पसंद आया ये कॉन्सेप्ट प्रतिभा के लिविंग रूम में, कि शू रैक भी है और दिखता भी नहीं है। है ना कमाल की चीज़। तो अगर आप भी अपने लिविंग रूम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ये आइडिया आप इसको अपना सकते हैं अपने लिविंग रूम में। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरा फेवरेट है इस कमरे में, वो है ये टीवी यूनिट। हाँ, ये टीवी यूनिट मुझे इतना खूबसूरत लगता है, सिंपल और सोबर। और आप देख रहे होंगे कि इसने भी अपने घर में वाइट कलर को ज़्यादातर रखा हुआ है। इस पूरे कमरे को उसने वाइट कलर से कॉम्बिनेशन किया है। तो इस टीवी यूनिट के पीछे की ये जो ब्रिक वॉल दिख रही है, ये कोई वॉल पेपर नहीं है, ये एक टाइल्स है। तो ये टीवी यूनिट का एरिया मुझे बहुत पसंद है। ये उनका स्पीकर बार है, पार्टीज होती है जब हमारी तो हम यहाँ खूब धमाल मचाते हैं। और यहाँ नीचे सारे कैबिनेट्स हैं, यहाँ पे सारा उसका टीवी के सारी चीज़ें हैं, स्टेबलाइजर वगैरह जो भी होते हैं। यहाँ पे सारे ड्रॉर हैं, ये देखिए। तो इसने जो कॉम्बिनेशन किया है ना ब्राउन और वाइट का, वो मुझे बहुत पसंद आता है, जिससे ये घर और बड़ा दिखता है। मुंबई के फ्लैट्स के बारे में आपको पता ही है कि हाई राइज होते हैं तो हाइट कम होती है हमारे फ्लैट्स की। तो अगर ऐसे में आप वाइट कलर यूज़ करते हैं तो आपका कमरा ज़्यादा बड़ा दिखता है। टीवी यूनिट से लगा हुआ ही छोटा सा प्रतिभा ने यहाँ मंदिर बनाया है भगवान जी का, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सारी डिज़ाइनिंग प्रतिभा ने खुद की है अपने घर की, किसी भी इंटीरियर को उसने नहीं बुलाया है।
छोटा सा प्यारा सा मंदिर, अंदर उसने गोल्डन रखा है, बाहर की ओर पूरा वाइट, अगेन ब्राउन। और इसके अंदर सारे भगवान के पूजा पाठ के सामान आते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा कबर्ड है जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्टफ जो आपके घर में हो, काफ़ी स्टोरेज है इस लिविंग रूम में, आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, टीवी यूनिट के नीचे भी है, शू रैक तो आपने देखा ही है। मंदिर से ही लगा हुआ इस वॉल को उसने कुछ भी नहीं किया है सिवाय इस मिरर के, और ये एक DIY है। ये पूरा मिरर भी प्रतिभा ने खुद बनाया है, कितनी टैलेंटेड है ना मेरी दोस्त। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बहुत से वीडियोस में बताया है कि जब भी घर का इंटीरियर करें या तो उसको एक नया लुक देने के लिए आपको अपने वॉल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, किसी एक वॉल को ज़रूर हाईलाइट करें। तो प्रतिभा की ये एंट्री वॉल है और ये सबसे लंबी है, मतलब इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो उस पर इसने ये सिल्वर गोल्डन वॉल पेपर लगाया है। और ये आप देखिए कितना खूबसूरत सा और बहुत ही रिच लुक आ रहा है। अगेन इसमें वाइट आपको कलर दिख रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि मुंबई के फ्लैट्स बहुत बड़े नहीं होते हैं, लिविंग रूम का साइज़ भी बहुत बड़ा बंगलों वाला नहीं होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम चीज़ें रखें अपने रूम में, फर्नीचर बहुत हैवी ना हो। जैसा कि आपको इसके लिविंग रूम में भी दिख ही रहा होगा, फर्नीचर के नाम पर उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भरी हैं। ये सोफ़ा कम बेड, उसके साथ ये एक साइड का छोटा सा टेबल, आप चाहे तो ये बहुत ही लाइट वेट है, इसको इधर उधर कहीं भी हिला सकते हैं। और ये उसका अगेन वाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन उसने किया है, उसके कॉम्बिनेशन के ही उसके कुशंस हैं। और ये पूरा स्पेस उसने रखा है कमरे में ताकि कभी कोई पार्टी वगैरह हो, और मेन तो साफ़ सफाई करने में होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कमरे में जगह दिखता है। तो ये उसका सोफ़ा कम बेड है, मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगी, कभी कोई एक्स्ट्रा गेस्ट आ जाए तो आप इसको खोलिए, अपने मेहमान को यहाँ लेटाइए। आपने सोफा तो देख लिया, अब गेस कीजिए ये क्या है। ये एक फोल्डेबल डाइनिंग टेबल है। जी हाँ, हमारे घरों में जब भी हमें जरूरत पड़े तभी इसको हम खोलें, उसके हिसाब से प्रतिभा ने इसको कस्टमाइज करवाया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि जब गेस्ट आते हैं तभी खुलता है ये। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कम स्पेस में अपने फर्नीचर को कैसे एडजस्ट करें ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि डाइनिंग टेबल की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो इस तरीके का कस्टमाइज डाइनिंग टेबल आप भी बनवा सकते हैं डिज़ाइन बता करके, है ना स्मार्ट आइडिया। डाइनिंग टेबल के बाद मैं बात करने वाली हूँ इस वॉल की। आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि पूरे घर में प्रतिभा ने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भरी हैं, इसकी वजह से उसका कमरा ज़्यादा बड़ा दिखता है। इस वॉल के डेकोरेशन के लिए उसने सिर्फ ये एक लैंडस्केप यहाँ पर लगा रखा है, और मैं आपको बता दूँ ये भी उसने खुद बनाया है। अब बात करते हैं यहाँ की सीलिंग की। ऊपर देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लेजर कटिंग का उन्होंने फॉल सीलिंग करवाया है, कोई भी बहुत हैवी नहीं करवाया है, ताकि क्योंकि आप देख रहे होंगे हाइट बहुत कम होती है हमारे फ्लैट्स में, हाई राइज बिल्डिंग में, तो बहुत बड़ा वुडन का कोई ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए कि वो आपके बिल्कुल सर पे लगे और भारीपन लगे। तो इसने बिल्कुल सिंपल और सोबर ये लेज़र कटिंग का काम करवाया है, इसकी लाइट्स चेंज होती रहती है। सीलिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये छोटा सा प्यारा सा हैंगिंग लाइट जो इस कमरे की ब्यूटी को और इन्हेंस करता है। बड़े शैंडेलर के बजाय आप इस तरीके के हैंगिंग लाइट्स भी अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं, अगर आपका लिविंग रूम की साइज़ छोटा है तो। और मैं आपको दिखाती हूँ इसका लाइट कितना प्यारा है। तो आप ये कुछ छोटे छोटे लाइट्स देख रहे हैं सीलिंग पे, ये देखिए, ये सब पार्टी और मूड के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ये छोटे छोटे बिल्कुल लाइट्स लगा रखे हैं, तो आपका जैसा मूड वैसा लाइट।
आपको ये लिविंग रूम का टूर जरूर पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिले होंगे अपने लिविंग रूम का मेकओवर करने के लिए। और सच बताती हूँ कि मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने में। आई होप आप लोग को भी उतना ही मजा आया होगा ये वीडियो देखने में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इस पूरे कमरे में सबसे अच्छी बात क्या लगी और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये चीजें अपने घर में करवा के रखी हुई है। तो मिलते हैं मेरे किसी और वीडियो में कुछ और आइडियाज और मेकओवर के साथ। तब तक के लिए बाय।